नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लाजा वायर IPO का क्या लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है, और इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है आपको भी देखने को मिलेगा, और यदि आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका जो अलॉटमेंट का जो चांसेस है वो आपको बढ़ सके। तो दोस्तों, इसमें एक दिन का आपका बिडिंग हो चुका है और आपको क्या क्या कौन कौन से डाटा रहने वाला है जिसमें आपको नज़रें बनाए रखनी चाहिए, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर वीडियो में बने रहें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए और अच्छे से कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें प्लाजा वायर लिमिटेड IPO के बारे में, तो आपको देखने को मिला कि इसका जो IPO है मार्केट में आपका 27 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर के दिन तक इसकी बिडिंग होती हुई दिखेगी, और आपको देखने को मिला कि एक कंपनी का कारोबार कैसा है, कंपनी का आपका एक्सपर्टीज किन किन क्षेत्रों में है, कंपनी करती क्या है, कंपनी के क्लाइंट कैसे हैं, इन सब चीज़ों को आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, और कंपनी जो मार्केट में जो आपको IPO लेके आ रही है इसका आपका साइज़ क्या कितना रहने वाला है, इन सब चीज़ों को बड़ी विस्तार से इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहें। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें कंपनी कब मार्केट में आपको आई थी, तो आपको देखने को मिले कंपनी 2006 में आपका इसका इनोग्रेशन हुआ था, और बात करें कंपनी करती क्या है तो आपका ये मैन्युफैक्चरिंग और आपका सेलिंग करती है वायर का। और दोस्तों, बात करें कि ये मार्केट में आपका और भी आपका ये आपका LT एल्यूमिनियम जो केबल है ये हो गया, और आपका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गया, इन सभी चीज़ों को ये आपका प्लाजा केबल के ब्रांड के नाम से मार्केट में बेचती है, और इसका जो आपका होम ब्रांड है वो आपका होम ब्रांड एक्शन वायर और आपका PCG है। और बात करें जो अभी प्लाजा वायर है, इसका जो ओरिजिनली आपका जो नाम था वो आपका नवरत्न वायर के नाम से पहले जाना जाता था, और जो कंपनी है इसका आपको देखने को मिला कि ये आपको मेनली केबल बनाती है, और आपका हाउस का जो वायर होता है ये बनाती है, जो आपको सिंगल और मल्टी कलर में आपको देखने को मिलेगा, और आपका राउंड फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रियल केबल भी देखने को मिलेगा, जो आपको इंडस्ट्रियल केबल बनाती है ये भी सब आपको देखने को मिलेगा, और ये भी आपको जो बनाती है इसमें आपको समरसिबल पंप्स भी देखने को मिलेगा, और आपका मोटर देखना पड़ मिलेगा जो आपको आपका 1.1 kV ग्रेड का देखने को मिलेगा। और आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी और क्या क्या आपका प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उसमें देखने को मिला कि LT पावर केबल, इसके बाद आपका TV डिश एंटीना, कोएक्सियल केबल, टेलीफोन एंड स्विच बोर्ड, इंडस्ट्रियल केबल, कंप्यूटर एंड लैंड नेटवर्क केबल, आपका क्लोज सर्किट टेलीविजन केबल और सोलर केबल, PVC इंसुलेटेड टैप, PVC कंडक्ट पाइप, एसेसरी और भी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है, और ये जो आपको करती है ये आपको थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर भी करती है, और ये आपको इलेक्ट्रिक फैंस भी सर्विस करती है, और आपको देखने को मिला है कि मोर देन इसका 20 सर्विस सेंटर से इसका टाई अप है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा और आपका तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा कि जो कंपनी आपका सर्किट ब्रेकर और आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को नॉर्थ और साउथ इंडिया में ये आपको नया आपका इंट्रोड्यूस करने वाली है। 31 मार्च 2023 के अनुसार इनके पास 1249 ऑथराइज डीलर और आपका डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिलेगा। और इनकी ब्रांचेस की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वन ब्रांच ऑफिस आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा, और आपका 4 वेयर हाउस है वो आपको उत्तर प्रदेश, आसाम, केरल, दिल्ली, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि लगभग इंडिया में सभी क्षेत्रों में इनकी पहुँच देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आपको मोटा मोटा एक आइडिया लगा कि आखिर कंपनी करती क्या है, कंपनी का कारोबार कैसा है, तो आपको देखने को मिला कि कंपनी आपका मेनली आपको इलेक्ट्रिकल वायर हो गया और आपका इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स को ही आपका मैन्युफैक्चर करती है, और इसकी जो प्रेजेंस है लगभग पूरे इंडिया में देखने को मिल रही है। तो ये तो इस कंपनी के विषय में हो गया। अब आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पर नज़र डालते हैं कि उसमें आपको इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाला है जिस पर आपको नज़र बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि इसको जो IPO का जो ओपनिंग होगा आपको 29 सितंबर के दिन होता हुआ दिखेगा, और इसकी जो क्लोजिंग डेट रखी गई आपको 4 अक्टूबर के दिन रखी गई है। और बात करें इसकी अलॉटमेंट की, तो आपको देखने को मिलेगा कि यदि आपको इसमें लगाते हैं IPO में अप्लाई करते हैं तो आपको 9 अक्टूबर के दिन इसका अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा, और यदि आपको अलॉटमेंट नहीं हो पाता है तो आपको जो पैसे हैं आपको 10 अक्टूबर के दिन रिफंड कर दिए जाएंगे, और आप लकी रहते हैं यदि आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको डीमैट अकाउंट में 11 अक्टूबर के दिन इसका अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। और दोस्तों, बात करें इसकी लिस्टिंग की, तो इसका जो लिस्टिंग डेट रखा गया आपको 12 अक्टूबर के दिन रखा गया है। दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है, और इस IPO का जो प्राइस बैंड है आपका 51 से 54 रुपीज़ है, और एक लॉट में आपका 277 शेयर होने वाले हैं। बात करें इस IPO को टोटल साइज की, तो आपको देखने को मिलेगा कि 71.28 करोड़ का इस IPO का पूरा साइज है, और इसकी लिस्टिंग की बात करें तो आपको इसके जो लिस्टिंग है BSE और आपका NSE दोनों पर इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी।
रिजर्वेशन कोटा की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि QIB के लिए 75% और आपका HNI के लिए 15% और आपका रिटेल के लिए 10% शेयर को रिजर्व रखा गया है। और चलिए बात करते हैं, यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक लॉट के लिए कितने का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यदि आप रिटेल कैटेगरी से एक लॉट लगाते हैं तो इसमें आपको 277 शेयर होने वाले हैं, जिसके लिए आपको मिनिमम 14,958 रुपये का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। और आप रिटेल कैटेगरी से मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,94,454 रुपये का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। और आप HNI कैटेगरी से मिनिमम 14 लॉट और आपका मैक्सिमम 30 और आपका मैक्सिमम 66 लॉट लगा सकते हैं। दोस्तों ये तो आपको कितने पैसे इसमें लगा सकते हैं। बात करें प्रमोटर की होल्डिंग की, तो आपको देखने को मिलेगा कि IPO आने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 100% थी और आपका IPO के लिस्टिंग के बाद 69.83 के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग रह जाएगी। तो दोस्तों ये तो हो गया इस IPO का पूरा डिटेल्स की IPO का क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स और आपका डिटेल्स है। चलिए देखते हैं कंपनी आपको कैसा कारोबार करती हुई दिख रही है और इसका फाइनेंशियल डाटा क्या शो कर रहा है। दोस्तों आपको देखने को मिला कि यहाँ पे जितने भी आपको डाटा देख रहे हैं सब आपको ईयरली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। तो आपको देखने को मिला कि मार्च 2021 में इसका एसेट 99 करोड़ था, जो आपको मार्च 2022 में 104 करोड़ और मार्च 2023 में 112 करोड़ देखने को मिल रहा है। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 145 करोड़, 176 करोड़ और आपका 182 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो इसमें अच्छा खासा आपको उछाल देखने को मिल रहा है। अगर प्रॉफिट आप टैक्स की बात करें तो आपको देखने को मिला कि लगभग 4 करोड़, 5 करोड़ और 7 करोड़ का इसमें कारोबार करता हुआ आपको दिख रहा है। और इसकी अगर बात करें रिजर्व एंड सरप्लस की, तो आपको देखने को मिला कि कंपनी के हाथों में करंट ईयर में 22 करोड़ का आपका रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिल रहा है। और टोटल बोरिंग की बात करें तो आपको देखने को मिला कि इसके हाथों में लगभग 39 करोड़ के आसपास इनके हाथों में बोरिंग भी है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इनका हाथों में रिजर्व भी ठीक ठाक है और बोरिंग भी इनके हाथों में थोड़े बहुत देखने को मिल रही है। तो आपको देखने को मिला कि इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 236 करोड़ का है और इसका जो पी है 21.95 पे देखने को मिल रहा है। और इसका जो ROE की बात करें तो 14.15 और आपका ROC की बात करें तो 15.57 के अराउंड देखने को मिल रहा है। और डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो आपको 0.75 देखने को मिल रहा है। और EPS की बात करें तो 2.46 इसका EPS है। दोस्तों ये तो हो गया कंपनी का सारा डिटेल्स और इसका फाइनेंशियल डिटेल्स। चलिए अब इस पर नजर डालते हैं कि आखिर इस कंपनी इस IPO को मार्केट में लेके आना क्यों चाहती है। तो दोस्तों आपको देखने को मिला है कि ये अपने जो एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको और आपको एक्सपेंड करने वाले हैं और जो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको भी आपको बढ़ाने वाले हैं और जो इनका जो वायर हाउस है इसको भी और आपका इंक्रीज करने वाले हैं और जो इनका जो वर्किंग कैपिटल है उसमें आपका फंडिंग करना चाहते हैं और आपका जनरल कॉरपोरेट पर्पज से भी इस IPO को लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों आपने सारा इसका डिटेल देखा, कंपनी करती क्या है, कंपनी का कारोबार कैसा है और कंपनी किन किन क्षेत्रों में फैली हुई है। तो चलिए दोस्तों आप इसके GMP पर नजर डालते हैं, यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कितने के प्रॉफिट देखने को मिल सकते है। दोस्तों बात करें प्लाजा वायर IPO के सब्सक्रिप्शन के, तो आपको देखने को मिलेगी जो आपका IPO है ओवरऑल 4.8 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ आपको दिखा है, जिसमें QIB नहीं, इसको अभी आपका कोई भी सब्सक्रिप्शन इनकी तरफ से देखने को नहीं मिला है। और HNI कैटेगरी की बात करें तो 4.8 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिला है और अगर रिटेल की बात करें तो 27.28 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है और इसका भी एक दिन का सब्सक्रिप्शन हो चुका है और इसका भी दूसरे और तीसरे दिन का सब्सक्रिप्शन डाटा भी बचा हुआ है। तो दोस्तों आप बिल्कुल इसमें जल्दबाजी ना करें, 3 तारीख और 4 तारीख अब इसमें आपका 4 तारीख इसमें सब्सक्रिप्शन डाटा देखें और इसका सब्सक्रिप्शन डाटा कैसा रहता है, इसमें QIB और HNI का सब्सक्रिप्शन रहता है, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करने का सोचें। इससे आपका ये होता है कि आपको जो रिस्क है आपका मिनिमाइज हो जाता है और इसका आप GMP पर भी नहीं डालेंगे, GMP में कैसा आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तभी आप इसमें अगर यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो रिस्क है आपका मिनिमाइज होता हुआ आपको दिखेगा। तो चलिए दोस्तों इसके GMP पर नहीं डालते हैं कि इसका GMP क्या दिख रहा है और उसके अनुसार आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। तो बात करें प्लाजा वायर IPO को GMP की, तो आपको देखने को मिली इसका जो GMP अभी 12 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और इस IPO का जो अपर प्राइस बैंड है आपको 54 रुपये का, दोनों को ऐड करने के बाद आपको 66 भी निकल के आता है। यदि इन परसेंटेज गेन की बात की जाए तो आपको 22 से 23% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपको देखने को मिला कि इसका GMP ने अभी आपका 17 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखा है और वहीं इसकी लोएस्ट GMP की बात करें जिसने 0 रुपये का इसने लो भी लगा है। तो दोस्तों आप इस चैनल पर इस वीडियो में बन रहे हैं, यदि इसके GMP में कोई अप एंड डाउन देखने को मिलेगा तो आपको वीडियो के माध्यम से जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। और दोस्तों अभी तक यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो और आपका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको देखने को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।